हम चैप्टर नंबर 9 लिस्ट टैब एंड टेबल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लिस्ट टैब एंड टेबल्स ये जो फैसिलिटी आपको इसमें दिखाई पड़ रही है ये किस में है, ठीक है, ये हम लोग एमएस वर्ड में पढ़ेंगे। एमएस वर्ड में आप लोगों को लिस्ट कैसे बनाते हैं, टैब की सेटिंग कैसे करते हैं और हाउ टू क्रिएट अ टेबल हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है टॉपिक है लिस्ट। ये लिस्ट क्या, ठीक है, लिस्ट क्या होता है एमएस वर्ड में, ये लिस्ट क्या है। तो देखिए लिस्ट होता क्या है आपका कि लिस्ट जो है वो हम लोग जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, हम लोग जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, सपोज मान लीजिए अगर हम उसको पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, है ना, तो लिस्ट यानी कि वो जो टेक्स्ट है उसको वो लिस्ट वाइज यानी कि सूचीबद्ध करके आपको प्रस्तुत करता है। लिस्ट में आपको जो फैसिलिटी मिली है उसमें होता क्या है, आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी एमएस वर्ड में आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको वो रो वाइज व्यवस्थित करता है, सूचीबद्ध व्यवस्थित करता है, ठीक, ये चीज होता है। यानी कि आपको क्या करेगा वो उसको एक सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मान लीजिए कि हमने हमको एक जो है वो हमने एक इस तरह से आपका लिखा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, या मैंने यहाँ पे लिख दी डेफिनेशन लिख दी है कंप्यूटर, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अब आप क्या करेंगे, वन जैसे कि इनपुट यूनिट यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका इनपुट यूनिट, सेकेंड इज द आउटपुट यूनिट, यानी कि जो लिस्ट आपकी आ रही है वो आपकी किस फॉर्म में हो,
हाउस हुआ, जॉय स्टेट, ठीक है, माइक आपका हिंदू डिवाइस ही होता है, ठीक है, हमें माइक सी जगह मान के एम आई सी आई दिया और मैंने लिख दिया ओ सी या मैंने लिख दिया स्कैन, ठीक है, ये आपके पांच हिंदू डिवाइस। तो अपने आप से जैसे मैंने सबसे पहले जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगी उसके बाद आपका कीबोर्ड लेके आएगा और एंटर जब मैं लिखूंगी तो अपने आप ही नंबर टू खुद से होगा। दैट मींस कि क्या हुआ कि ये जो लिस्ट होती है चाहे वो आपकी ऑर्डर्ड हो चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। अपडेट का मतलब क्या हो गया कि आपके फाइव तक अगर आपने किया है तो उसके बाद अगर आप नया एंटर करेंगी तो वो अपने आप ही नंबर सिक्स सेवन एट जो है वो इन सीक्वेंस जो है वो नंबर्स अपने आप ही लेता रहेगा। तो नंबर लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि नंबर लिस्ट में लिस्ट में जो आपका जो आपके यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर के फॉर्म में आता है, ठीक है, लिस्ट जो है वो नंबर के फॉर्म में सीक्वेंस में आएगी और किस फॉर्म में आएगी असेंडिंग ऑर्डर में वन टू थ्री फोर इस तरह से, ठीक है। अब आपकी बारी आती है कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग सेकेंड आपका था अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, दिस इज अनऑर्डर स्क्वायर करके बॉक्स बने हुए और इन बॉक्सेस में बहुत सारे सिंबल्स हैं। सबसे
ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सर्किल होगा, ठीक है, इस तरह से आपका स्टार बना होगा, यहाँ पे कोई फ्लावर होंगे, मतलब बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, आप उसमें से कोई भी एक पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो उससे आपका क्या होगा, सपोज मैंने पहला गेम करा या मैंने स्टार वाला किया या और मैंने इसमें जो और ऑप्शन से मैंने उनमें किया, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ओके बटन, आपने ओके बटन किया, जैसे ही आपने ओके बटन की प्रेस किया ये विंडो जो आपको दिख रही है ये क्लोज हो जाएगी, और जहाँ डॉक्यूमेंट था आप उस पे चले, और डॉक्यूमेंट में सबसे पहला अगर मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था सेकंड वाला, तो ये स्टार आपका बन गया है, कर्सर यहाँ पे, यानी कि अब आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कीबोर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ये कीबोर्ड, एंटर किया, अपने आप ही स्टार बन गया, यानी कि अब ऑटोमेटिकली जो बुलेटेड है वो हमारे आगे चले जाए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको आज ये क्लियर हुआ कि हम लिस्ट का यूज क्या होता है, एमएस वर्ड में हम लोग ये बुलेट और फॉर्मेट में से बुलेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में